महाकाल के दर्शन करने के लिए हम आ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। अगर आपको भी महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आना है तो आप वायु मार्ग और रेल और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। वायु मार्ग के लिए आपको इंदौर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक पड़ेगा और रेलवे स्टेशन यहाँ पर उज्जैन के तक ही ट्रेन आती है। तो यहाँ से जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है मंदिर परिसर से मात्र 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इस टाइम पर हम सुबह के 6:40 हो रहे हैं, तो हम दर्शन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से जो सामने दुकान है उनसे हमने प्रसाद लिया था, वहाँ पर ही हमने हमारा बैग और जूते चप्पल रख दिए हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि जहाँ से आप प्रसाद लो या किसी जगह होटल रह रहे हो तो वहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लड़के बिल्कुल टी शर्ट में और महाकाल के गेटअप में बिल्कुल तैयार है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया है गवर्नमेंट का, उसके हम मुख्य द्वार पर है, तो हम उसी कॉरिडोर से महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी हम दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप सावन के महीने में आओगे तो थोड़ा आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, बाकी नॉर्मल टाइम पर आप आधे घंटे के अंदर आप महाकाल के दर्शन कर के आ सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पर हम कॉरिडोर के जो नया कॉरिडोर बनाया है यहाँ पर, उसके अंदर से हम जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना चौड़ाई में बनाया है। तो इस पर आप काफ़ी संख्या में एक साथ में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। तो हम देखिए कॉरिडोर के उसी रास्ते से जा रहे हैं और ये सामने ओवर ब्रिज है, ये जो रोड जा रहा है तो बिल्कुल इसके सामने से रोड जा रहा है। दोस्तों उज्जैन में जो महाकाल है ये देश के 4 ज्योतिर्लिंग मंदिर है उनमें से एक है, और ये इसकी खासियत है कि यहाँ का एक ही उज्जैन का एक ही राजा था जो भी है महाकाल है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी नहीं रुकता है रात में, ऐसी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही राजा रुक सकता है जो भी है वो राजा है जो महाकाल है ही यहाँ का राजा है उज्जैन नगरी का। तो देखिए यहाँ का जो कॉरिडोर है ये बिल्कुल जो सामने है वो रोड है और जो लाइन है रेलवे लाइन है उसके ऊपर होके निकल रहा है, और ये कॉरिडोर का अंदर से मुख्य द्वार है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अभी कार्य प्रगति पर है, आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर से किस प्रकार से तैयार किया गया है मंदिर परिसर। आप देख सकते हैं यहाँ का जो चित्रकारी है पत्थर पर चित्रकारी की गई है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई है अलग अलग स्वरूपों में। यहाँ पर इधर को दूसरी तरफ जो शिव शंकर भगवान के जितने भी स्वरूप है उनकी सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, और जो कॉरिडोर है वो काफ़ी संख्या में एक साथ में श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकता है। तो काफ़ी अच्छे से अभी काम चल रहा है इसका, आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सुंदर लग रहा है जो ये मंदिर का परिसर है। तो दोस्तों इस कॉरिडोर से फ़ायदा ये होगा कि एक साथ में आप लाखों की संख्या में दर्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पर देखिए एक म्यूजिक भी चल रहा है संगीत का, तो कितना प्यारा लग रहा है। धीरे धीरे आपको साउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपको अगर देखेंगे तो शिव शंकर भोलेनाथ की सभी स्वरूप की मूर्तियां लगाई गई है, और यहाँ पर देखिए सेफ्टी के लिए अग्निशामक यंत्र लगाया गया है, पानी के जरिए वाले पाइप का भी अगर आग लग जाए तो उस कंडीशन में दोनों तरीके से आप आग बुझा सकते हैं। यहाँ देखिए ये सामने लग रही है पाइप द्वारा, और यहाँ पर देखिए शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती बैठे हुए, और इसके पास में भी देखिए अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर और पाइप। अगर कभी खुदा न खासा कुछ ऐसा हो जाए तो सेफ्टी के पर्पज से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है दर्शन करने के लिए रोज़, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से ये
कॉरिडोर बनाया गया है दर्शन करने के लिए। यहाँ देखिए आप शिव शंकर भोलेनाथ की बारात जाते हुए नंदीर वगैरह ये सारे कुछ है यहाँ पर दिखाया गया है मूर्ति पे। तो यहाँ पर देखिए जो समुद्र मंथन किया गया था उसको दर्शाया गया है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने जो विष पिया था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है मूर्ति के ज़रिए। और कितना अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें आपको एक तरफ मूर्ति सभी स्वरूपों में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अन्य देवी देवताओं की देखने को मिलेगी। और ये जो सामने है ये एक रेस्टोरेंट है, अगर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ये भारत माता मंदिर है, भारत माता का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर देशभक्ति सॉन्ग चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इधर को। और दूसरी तरफ आपको शिव शंकर भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं श्री लीलकंठ द्वार, ये यहाँ पर लीलकंठ द्वार है। तो यहाँ का कई दरवाजे बनाए गए हैं चारों तरफ, तो आप किसी भी दरवाजे से दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं। इस टाइम पर ये द्वार अभी बंद किया हुआ है, अभी इसका कार्य प्रगति पर है आपको मैं बता ही दे रहा हूँ। तो वैसे ये कंप्लीट हो चुका है लगभग, और आप देख सकते हैं देखिए यात्री बड़ी आसानी से दर्शन करके आ रहे हैं। और यहाँ पर जयकारा सुनाई दे रहा है। तो बिल्कुल सामने हमारे महाकाल का मुख्य द्वार आ चुका है मंदिर परिसर का दर्शन करने के लिए। तो ये महाकालेश्वर मंदिर परिसर का मुख्य द्वार आ चुका है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए हमें अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर लोग आके अपने मंदिर के आगे वीडियो क्लिप बनवाते हुए और फोटो खिंचवाते हुए कहते हैं कि जयकारे की गूंज आप सुन सकते हैं। जो भक्त है महाकाल के दर्शन करने वाले वो महाकाल की जय बोल रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कतार लगी हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने वालों की, महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से मंदिर में कतार लगाई जाती है घूम घूम कर, देखिए वापस से दर्शक फिर से टर्न ले लिया है। और यहाँ पर आप देखिए एक तरफ से आ रहे, दूसरी तरफ वापस मुड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी स्पीड से लाइन आगे बढ़ रही है, काफ़ी चौड़ा है दर्शन करने वाला क्षेत्र। जो दर्शन के लिए जो कतार है वो बहुत बार घूम चुकी है और ऊपर चढ़ती जा रही है। तो ये जो कतार है काफ़ी देर तक गोल गोल घूमती हुई ऊपर चढ़ती जा रही है चढ़ाई पर, और लोग महाकाल के जयकारा लगाते हुए बम बम भोले का। और आप देख सकते हैं हमने फिर से टर्न ले लिया, पीछे से भी नीचे की तरफ ऊपर श्रद्धालु चढ़ते हुए दर्शन के लिए। करीब 2 मंजिल के बराबर ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं
और गोलाई से घुमाते जा रहे हैं। तो ये इनका सिस्टम अच्छे से बना रखा है कि दर्जी भी से भी रास्ता निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकाल के दर्शन के लिए काफ़ी एंजॉय करते हुए। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहाँ कई देवी देवता के छोटे बड़े मंदिर है। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है और इसकी जो जल धारा है वो पूरब की तरफ है, जबकि और शिवलिंगों की जो जल धारा गिरती है वो उत्तर की तरफ होती है। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से इतनी दूर से दर्शन कराते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर देखिए हम डिस्प्ले के नीचे महाकालेश्वर जी शिवलिंग का जो दर्शन है इतनी दूर से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसलिए हमको वहाँ पर जो ये पूरे श्रद्धालुओं की लाइन थी उसको जब चंडाई चंडा रहे थे गोलाई में घुमाते हुए, तो इसलिए करा रहे थे। अब इतनी ऊपर से दर्शन कराते हैं, अब यही जो लाइन है वो नीचे उतरती जाएगी गोलाई में घूमती हुई, और इसका जो मंदिर है उसका जो शिवलिंग जी है महाकालेश्वर उनके मुख्य द्वार से दूर से दर्शन कराएंगे। तो मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं दूर से, तो जैसे हमारा नंबर आएगा उसके सामने जाने का तो हम दर्शन करेंगे। तो हम बिल्कुल अब नीचे उतर कर आ चुके हैं, पहले गोलाई में ऊपर से दर्शन किए थे दूर से, अब धीरे धीरे गोलाई तरफ घूमते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं दर्शन करके। ये महाकालेश्वर मंदिर के जो शिवलिंग है वो मुख्य गुंबद है ये वाला है, इसके नीचे जो ये ब्लैक और ऊपर भगवा कलर हो रहा है इसके नीचे है महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो। तो दोस्तों हम दूसरे वाले दरवाजे से बाहर आ गए हैं गलती से, कॉरिडोर वाले रास्ते से हमको वापस जाना था, तो हम बाहर की तरफ से अभी वापस जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो हम रेलवे स्टेशन पर आ गए जो यहाँ पर IRCTC के द्वारा बनाया गया रेस्टोरेंट है अवंती का। तो देखिए इसके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, और अगर आपको यहाँ पर कुछ खाना पीना होगा, नाश्ता करना है या खाना खाना है तो आप यहाँ पर ऑर्डर देके खाना खा सकते हैं। ये रेलवे द्वारा काफ़ी 5-स्टार होटल जैसा बनाया है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के लेफ्ट हैंड की तरफ। बहुत मजा आता है, कुछ भी पता ही नहीं चलता।